अभी हम जा रहे हैं एक पेट डॉग के रेस्क्यू के लिए, जिसके लिए हमें कल रात को कॉल आई थी। केस ऐसा है कि डॉग खाई में गिरा हुआ है, खाई काफी ज्यादा गहरी है। इसको घुमाने लेके गए थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा मंकी थे। फिर ये ना मेरी बेटी के हाथ से छूट के वो यहाँ पे उसने ना मंकी के पीछे ना छलांग लगा दी और यहाँ से होके नीचे चला गया। उधर से देखा हमने फिर जाके ना कि हमारी आवाज सुन रहा है, तो फिर वहाँ से वो रो भी रहा है। रास्ता तो आपको वहाँ से मिलेगा, यहाँ पेड़ तक मिलेगा, उसके आगे रास्ता नहीं है। आधे सेंटर में था लगभग, पहुँच गया वो, ना नीचे जा सकता था ना वो ऊपर आ सकता था, चढ़ने के लिए जगह नहीं थी उसको। डॉग तो दिख रहा है भाई, हाँ, तो बस रास्ता डाल के नीचे उतरना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं रेस्क्यू पे, एक अनसोली सी केस है, डॉग का फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। आप ही थे, आंखें भी छूट गई सर। वो आती तो मेरे घर वाली साइड है ना, डेली आना उसने रात को। मैं आऊ आऊ, ए खुश हो। दोनों नेट गए, एक नेट गया, दो नेट नहीं डाला। इसी में तो फंसा था कुत्ता, इसी में ये मैं लेके गया, फंस गया था। और ऐसे ही छोड़े इसको, शिफ्ट लगे करने। और कल देखते हैं फिर इसको। जब हमने रेस्क्यू किया था, इसका पिक ट्रैप का केस था, और जो इसका पंजा था वो बुरी तरीके से इंजर्ड था, गैंग्रीन हो गया था क्योंकि काफी पुराना था जो ट्रैप फंसा हुआ था। इसका जो फ्रंट लेग है वो एम्प्यूट करना पड़ा, एम्प्यूटेशन सर्जरी भी सक्सेसफुल रही और ये पूरी लगभग हील हो चुका है। और अभी हम इसका न्यूटर सर्जरी करेंगे ताकि जितना बचा हुआ घाव है और जो न्यूटर का वो है वो एक साथ हील हो जाए सूचर्स, और फिर हम इसको रिलीज कर देंगे। फिर हम लोग गए वो आते रस्सा डाला, रस्से से नीचे लटक के चलते उसको ऊपर लेके आए। चल गया, तंज है ना एक्सपीरियंस है। तो खैर, तो उसको चोट नहीं लगी थी, बस वो फंसा हुआ था। हाँ फंसा हुआ था, लेकिन जिस जगह पे फंसा था वहाँ से नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो रिस्की था वहाँ उतरना, या लोगों को घिन आ रही थी क्योंकि ये ऐसी जगह थी ना जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं। बहुत ही गंदा हाल था, नॉर्मली तो वहाँ नहीं जाया जा सकता। मेरे ख्याल से तो अगर डॉग रेस्क्यू भी करना हो तो वहाँ नहीं जाया जा सकता, अगर उनके ओनर खुद नहीं उतर रहे थे। तो हमारी टीम है, साहिल है, रविंदर एंड गौरव ना, ये लोग हैं भैया जो ये हीरो हैं, ये एक्चुअल हीरो हैं जिनके ऊपर फिल्में बनती नहीं है। अगर मुझे वहाँ उतरना होता मैं भी एक बार ही सोचता। डंप यार्ड वाला सीन नहीं पता था, है ना, हमें पता था चलो गड्ढे में है, खाई में है ना, उस हिसाब से हम गए थे। लेकिन वहाँ पे वो डंप यार्ड, फिर भी उन्होंने उसी टाइम पे रेस्क्यू किया उसको, नीचे जाके पूरा सेफली हो गया था। ऑन ग्राउंड बहुत लोग हीरोइक काम करते हैं, और क्योंकि वो काम करने में व्यस्त है ना, हमें उनके बारे में पता नहीं लगता। चलो यहाँ तो हमारी टीम है भाई, हम मीडिया देख लेते हैं, इन लोगों ने ऑन ग्राउंड कर लिया तो आप लोगों को पता लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि आपके एरिया में जो एनिमल रेस्क्यूज हैं या जो लोग लड़कियों की मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, आप उनसे मिलिए और उनके बारे में औरों को बताइए। कंगना की रिकवरी का आप मुझे बता रहे थे ना, हम लोग खुद शौक थे जब हम इसका स्टरलाइजेशन करने के लिए इसको लाने गए। हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा पैनिक करेगी, लेकिन आराम से फिर मनप्रीत इसको पकड़ के ले आए और उसके बाद ये गोदी में थी। पहले तो टच भी नहीं करने देती थी, ये अग्रेसिव नहीं है लेकिन ये टच नहीं करने देती थी बिल्कुल भी। पहले हम इसलिए अडॉप्शन इसका पुश नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोग भी चाहते थे ये कंफर्टेबल हो जहाँ भी जाए। तो ये तो आपको काफी डॉग्स जिन्होंने ट्रॉमा देखा है उनमें देखने को मिलता होगा ना, लोगों की तरह ही है ना, इसका बेसिकली भरोसा नहीं है अब। हाँ जी, क्योंकि इसका जो केस था वो अब्यूज केस भी था, और ये बहुत छोटी सी आई थी हमारे पास, और ये उसके दिमाग में रह गया था जो कि हमें पता चलता था। नॉर्मली भी कोई आएगा इसको देखने तो पता चलता था कि भाई ये ह्यूमन से कितना डरती है। कोई भी नया डॉग हो, ये एक साल से अडॉप्टेबल कैनल में है और ये सबसे पहले अच्छे से दोस्ती कर लेती है और ओपन में रहती है आराम से। तो आप लोगों ने इसको फ्रेंडली किया कैसे? इसको हम लोगों ने इसका स्पेस दिया, बहुत टाइम दिया, और जब तक इसकी मर्जी नहीं थी तब तक हम लोगों ने जबरदस्ती इसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। बैठते थे जाके, हमने तीन चार लोगों ने ट्राई किया, मतलब कुछ कुछ टाइम गौरव, आप जी, सलोनी, मनप्रीत,
बात करते थे, पेट खिलाते थे। तुमने क्या किया? अपने दिल के दुखड़े भी रोए इसके आगे? हाँ सर, मैंने तो थोड़ा सा सुनाया अपनी कथा। बेबी टॉक क्या हो गया मेरे बच्चे को? मुझे सही लगता है क्योंकि यू नो इंडिया में खासकर थोड़ा मैचो कल्चर है, लड़के जो थोड़ा टफ दिखते हैं, मैं तो कूल हूँ। इट्स प्रीटी चिल यार कि तुमने ऐसा किया और रिजल्ट्स तो नजर आ ही रहे हैं। बाकी सर कंगू नाम रख दिया मैंने कंगना से, तो कंगू थोड़ा सुन के और ज्यादा अच्छी हो जाती है। कंगना अडॉप्शन के लिए रेडी है लगभग? अब ये इतना पता है कि अगर कोई इसको थोड़ा सा स्पेस देगा और इसको टाइम देगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट होम डॉग है। वो जो अनसोली वाला केस था जिसके लिए हम पहले गए थे और डॉग नेट काट के भाग गया था, तो उसके लिए फिर से कॉल आया है, आप लोगों को तुरंत निकलना होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लोग जा रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बार लग गया उनको बता, हम तीन जाएंगे सीधा पीछे की तरफ निकल जाओ। सफेद वाला कुत्ता था ना ऐसा जिसके बाल गिरे हुए हैं पीठ के, यहाँ तक आया भाई, इस तरफ बात नहीं है, यहाँ तक आया इस तरफ आ गया। वो जो पत्थर भी है आप दोनों यहीं पे रहे हो ना, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। और गुरु भाई आप पीछे जाओ या आप उस साइड चले जाओ, इस साइड भागेगी ठीक है। आई 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 गुरु भाई आई आपकी तरफ, नहीं मिली देख के भागे फिर अब बहुत फरामिश हो गई। अब यार चलो पैकिंग कर लेंगे। कायनात जिसके लिए हमें मीनाक्षी जी ने कॉल किया था और छतरी से हमने इसको रेस्क्यू किया था, उस टाइम पे इसको मिक्स्ड इन्फेक्शन का इशू था जो कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, बिल्कुल शरीर में बाल नहीं थे। और अब फाइनली ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, पूरा फर इसका वापस आ चुका है एंड हेल्दी भी हो गई है। तो अब हम इसे वापस उसके जगह पे रिलीज करने जा रहे हैं। इस पपी को जितेंद्र जी ने रेस्क्यू किया है टियारा से, जो कि उनके घर के पास ये उनको मिला था। इसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसके सिर पे चोट है और इसके टांग पे चोट है, पर साथ ही साथ इसके सिर पे बाइट वुंड्स भी है, जिसकी वजह से हमें ये अंदेशा भी हो रहा है शायद इसको डॉग बाइट भी साथ में हो सकती है। इसके लिए हमने इसको ARB दे दिया है और हमने इसको एंटीबायोटिक और पेन किलर्स पे भी रखा है। इसको एग्जामिन करने लगा तो इसने उस वक्त मुझे बाइट कर लिया, दो बाइट वुंड्स हैं, जिसके लिए मैं आज एंटी रेबीज शेड्यूल को भी शुरू कर दूंगा। हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, अगर आसपास में खाना देते हैं तो जो फीमेल डॉग्स हैं उनकी सर्जरी फ्री में कर देंगे। ये बच्चों वाली जो तकलीफ है ना, बच्चे नहीं होंगे वहाँ पे, फिर नसबंदी मेल की भी कर सकते हैं फीमेल की भी कर सकते हैं। जब हम आते हैं ना पकड़ने के लिए तो कोई बस बता दे कि हाँ डॉग बाहर है, यहीं है, हमारे सामने ही है, हम गाड़ी भेज देते हैं तो वो लेके आ जाते हैं साथ में। इसे आप लाना क्यों नहीं चाह रहे थे यहाँ पे जब इसकी इतनी ज़्यादा चोट है? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हम वहाँ पे कर सकते थे, और प्रॉब्लम ये होती है ना जब इतना ज़्यादा वुंड हो और कमज़ोर हो डॉग तो फिर उसको इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 12 पपीज़ हैं जिनके लिए जगह करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसके बाद इसका आना तो मुश्किल हो रही थी। इस वजह से मैं चाह रही थी कि जितेंद्र जी खुद इसको वहाँ पे फॉस्टर कर लें। अगर आप रख सकते हैं मैं वहीं पे ट्रीटमेंट करवा दूंगी त्यारा में रोज भेज के। नहीं मेरे घर पे तो ऑलरेडी दो है ना, फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। कोई और दोस्त हो? है नहीं ना कोई, वैसा सभी भागते। आपको पता है इवन ह्यूमन हॉस्पिटल्स में जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ्स होती हैं, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से ज्यादा होती हैं बजाय कि जिस लिए व्यक्ति अस्पताल आया होता है। तो ये तो फिर भी एनिमल हॉस्पिटल है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ज़्यादा जानवरों की मदद हो तो आपको अपना घर इंजर्ड एनिमल्स के लिए खोलना होगा। भाई फॉस्टर कर लें हफ्ता महीना जितना टाइम एक एनिमल को रिकवरी में रहता है। आजकल तो वैसे ही सब कुछ क्राउड सोर्स क्राउड फंड हो रहा है, तो अगर रेस्क्यूज को हमें क्राउड सोर्स करना है तो मोर पीपल विल हैव टू स्टार्ट फॉस्टरिंग। इस काउ को अभी अभी धर्मशाला से लेकर आए हैं। आए सुई हुई थी ना, जब दूध देने बंद कर देती है तो छोड़ देती है इसको। ये बात है, ये बाहर आया ना बाहर, ये किसी मेरे साथ अपने गाड़ी ने ढोका इसको या किसी ने। एक शोल्डर जॉइंट में इसको प्रॉब्लम है और एक आगे नी जॉइंट में। नी जॉइंट तो काफ़ी स्टिफ है, तो हम स्प्रिंट के साथ कोशिश करेंगे कि सपोर्ट देने की, ताकि ये थोड़ा सा वेट लेने की कोशिश करे और थोड़ा सा ये स्ट्रेट हो। अभी भी कोई कर्व है ना, वो ट्राई कर सकते हैं अपनी पूरी। हां कोई बात नहीं, आप ट्राई कर लो, कुछ हो जाए हमें ये लगता भी थोड़ा चलने लायक हो जाए तो चलो अपने चला रोड पे बाजी। तो लोगों में गाय के प्रति संवेदनशीलता है, लोगों को गाय की चिंता है, पर जो एक बात लोग नहीं समझ रहे कि हमारे दूध पीने का ताल्लुक सीधा सीधा गाय की दुर्गति से है। और जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आएगी ना, उस दिन गाय की हालात में हिंदुस्तान में सुधार होगा। तब तक तो फिर भाई गाय जो है सिर्फ इलेक्शन का
मुद्दा है। हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लेके आए हैं चंबी को यहाँ पे, क्योंकि टूटी फ्रूटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेट्स सी कि इससे इसको कितना फ़र्क पड़ेगा, दोबारा टेस्ट करके हम 48 आवर्स बाद देखेंगे। अभी अभिनव जी लेकर आए हैं हमीरपुर से एक डॉग को जिसको मेंज का इशू है, इसका पिछला पैर भी टूटा हुआ और उन्होंने मुझे बताया था कि एक अबैंडन पेट है। जो इसको रेस्क्यू कर चुके थे विनीता, जो कि हमीरपुर में ही एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनके पास ऑलरेडी 33 डॉग हैं उनके खुद के घर में और उनके पास बिल्कुल जगह नहीं थी, और अगर ये बाकी डॉग्स के साथ इस डॉग को रखते तो वहाँ पे बाकियों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती। इस वजह से मैंने उन्हें बोला कि ठीक है वो यहाँ तक भिजवा दें क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो नया डॉग आया है हमीरपुर से जिसको पायोडर्मा का इशू है और साथ में उसको मेंज भी है। पायोडर्मा जो है वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है की वजह से थोड़ा हल्की बहुत पस बनती है। इसमें हमें मिक्स इन्फेक्शन मिला था, फंगल भी है, बैक्टीरियल भी है और डेमोडेक्स भी है, तो इसकी ट्रीटमेंट हमें मिक्स ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द। तो ये एयर से तो स्प्रेड नहीं होता? एयर से नहीं, कॉन्टैक्ट से ही होता है। इसको एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट किया है और एंटी फंगल बाथ, वो तो अभी खैर घाव है तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने करना है, हमने प्लान किया हुआ है। और डेमोडेक्स है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। डेमोडेक्स भी कंटेजियस है? डेमोडेक्स बैक्टीरियल है जैसे फंगल है, ये टच से फैलते हैं, डेमोडेक्स भी टच से फैलेगा। ये डेली खेलती थी हमारे साथ पर उस दिन आई नहीं और एक जगह खड़ी थी काफ़ी देर से, नोटिस कर रहा था मैं, मुझे लगा लग गई होगी पैर में, इसको यहाँ ले आया। पहले दिन हमने इनको पेन किलर दिया, पेन किलर इस वजह से दिया कि मस्कुलर कोई ट्रॉमा हुआ होगा, एक या दो डोज से ठीक हो जाता है। अब सेकेंड डोज के लिए लेके आए थे, जब एग्जामिन किया तो ऐसा फील हुआ है कि जो बोन्स में ना हल्का सा क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर हो सकता है। क्रेप बैंडेज से पूरा स्टेबल रहेगा जॉइंट। पहले हम सिर्फ सोच रहे थे कि हम इसका बैंडेजिंग करके इसे वापस उसके लोकेशन में ही छोड़ देंगे और वहाँ से ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, बट क्योंकि ऐसे केसेस में इन केज रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी हीलिंग फास्ट होती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम कोई फॉस्टर होम ढूंढेंगे इसके लिए और इसको यहाँ पर अभी रख लेते हैं। टूटी फ्रूटी का केस काफ़ी ऑलरेडी बिगड़ चुका था क्योंकि ये क्लिनिक है और बहुत सारे आउट पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास और बहुत सारे इंजर्ड वो भी जाते हैं जिनका इम्यून ऑलरेडी डाउन होता है, इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इनमें बहुत होते हैं। इसी वजह से टूटी फ्रूटी को भी सीडी हो चुका था। जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली इन्फेक्शन के एक जैसे होते हैं और इसको फिट्स भी आने लगे थे एक दिन बाद, हमने ट्रीटमेंट पूरी कर रहे थे लेकिन हम सेकेंड ओपिनियन के लिए हमने उसे शाहपुर भेजा था जहाँ पे डॉक्टर ने देखने के बाद कंफर्म किया, जैसे हमारे डॉक्टर्स को लग रहा था कि इसको सीडी है, और आज आने के 2-3 घंटे बाद ही टूटी फ्रूटी नहीं बच पाई। इस डॉग के लिए डॉक्टर स्मृति का हमें कॉल आया था, ये गग्गल से है, इसका नाम जोजो है, ये हमारे पहले भी काफ़ी बार आ चुकी है। आज हम इसका ट्रीटमेंट स्ट्रीट करने गए थे पर इसकी हालत को देख के मुझे लगा कि ये ट्रीटमेंट स्ट्रीट नहीं हो पाती क्योंकि कब एक दिन मिलेगी अगले दिन ये फिर नहीं मिलेगी, मेडिकेशन पूरी नहीं जाएगी, इसलिए हमने इसका डिसीजन लिया कि हम इसको यहीं लेके आएंगे। इसको स्किन पे बहुत जगह से बाल गए हुए हैं और काफ़ी जख्म भी पड़े हैं, पैर इसके सूजे हुए हैं जिसकी वजह से इसको चलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी हमने इसकी स्किन स्क्रैपिंग ली है तो हम उसके बाद एग्जामिन करेंगे उसको और फिर देखेंगे कि ये मेंज है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। इसको कल शाम को आरती रेस्क्यू करके लेके आए हैं मटौर से। इसके फ्रंट लेग में इंजरी है, काफी पुराना लग रहा था घाव क्योंकि डेड टिश्यूज बाहर लटक रहे थे, घाव काफी ज्यादा डीप है निचले वाले हिस्से में, पाँव के नीचे में, लेकिन आराम से हील हो सता है। हमको लगा थोड़ा इन्फेक्शन भी है इसको क्योंकि इसके पॉटी में थोड़ा सा ब्लड आ रहा था, लेकिन ये अच्छे से खाना खा रहा है और स्मेल भी नहीं थी, तो अभी हम इसको सेपरेट तो रखेंगे ही आइसोलेशन में फॉर 15 डेज और उसके बाद ये बाकियों के साथ रह पाएगा। अभी परी का हमने चेकअप कराया है क्योंकि कल थोड़ा सा लूज मोशन देखा था हमने, टेम्परेचर तो नॉर्मल है, हमने डायरिया के लिए मेडिकेशन शुरू कर दिया है और अभी इसको थोड़ा सा सेपरेट रख रहे हैं। आइसोलेशन के लिए तो जगह नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास 12 पपीज़ हैं और आई होप इसको और कोई इन्फेक्शन ना हो। हमने एक डॉग और रेस्क्यू किया है रजौल के पास से, इसको टीवीटी की शिकायत थी, टीवीटी अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है तो जल्दी क्योर हो सकता है, हमने उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी हम उसे देने लगे। शिकारी को हम अभी शाहपुर हॉस्पिटल भेज रहे हैं, इसका ये जो हिस्सा है जो ट्यूमर है उसका सर से ओपिनियन लेने के लिए कि इसको कैसे आगे बढ़ना है, इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसके लिए हम इसको शाहपुर हॉस्पिटल भेज रहे हैं जो कि हमारा नज़दीकी सरकारी अस्पताल है। आज हमारे हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची है मैं आपको वो दिखाने के लिए लेके आएंगी। ये हमारे हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, हमारा हॉस्पिटल जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हमारा लार्ज एनिमल सेक्शन है, एक हमारा स्मॉल एनिमल सेक्शन है।
और जो हमारे हॉस्पिटल की वॉल हाइट है वो 7 फीट तक आ चुकी है, 3 फीट तक हमारी स्टोन मेसनरी है। अभी जो आप देख रहे हैं तो हमारा लार्ज एनिमल का सर्जरी रूम, एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक रूम, तीन यहाँ पे हमारे फंक्शन लार्ज एनिमल सेक्शन में है, और साथ ही हमारा एक वेटिंग एरिया भी है जो कि एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा। तो हमारे हॉस्पिटल में 2-3 चीज़ें हमारे स्मॉल एनिमल एंड लार्ज एनिमल के बीच में शेयर्ड है, जैसे कि हमारी फार्मेसी है जो एग्जैक्टली हमारे एंट्री वे के सामने प्लेस्ड है, एंड हमारा एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक है। तो क्योंकि लार्ज एनिमल को हम यहाँ से वहाँ मूव करना मुश्किल है, तो हमारे स्मॉल एनिमल्स को हम वहाँ पे लेके जाएंगे जब हमें एक्सरे करना होगा। तो ये हमारे स्मॉल एनिमल सेक्शन का कॉरिडोर है, और यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शन है जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन रूम है, हमारा ट्रीटमेंट रूम है, प्री ऑपरेटिव है, सर्जरी रूम है, हमारा स्टाफ रूम है, एंड इसी के सामने हमारा स्टरलाइजिंग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारा एपरेटस क्लीनिंग होगी, एंड हमारा पपी आइसोलेशन एंड कैटरिंग है। तो ये जो है ये हमारे स्मॉल एनिमल सेक्शन का पार्ट है। हमारे स्मॉल एनिमल सेक्शन के साथ ही हमारा कनेक्टेड ये डॉग केनल्स है। तो हमारे इस हॉस्पिटल में हमने काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे क्लब किए हैं कि सारी चीज़ें कन्वीनियंटली आसपास हो जाए। तो जैसे कि डॉग फूड भी यहीं पर प्रिपेयर होगा, इसलिए हमने किचन बनाया है, उनकी लॉन्ड्री भी यहीं पे होगी, मतलब जो उनके डॉग बेड्स होंगे, चादरें होंगे, उनकी क्लीनिंग होगी, इसके लिए हमारा एक लॉन्ड्री रूम है। हमारा लॉन्ग टर्म मेडिकल स्टोरेज है, और हमारा फार्मेसी जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म मेडिकल स्टोरेज है। देन हमारा क्वारंटीन एंड हमारा सॉलिड वेस्ट स्टोरेज रूम भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने हॉस्पिटल से कनेक्टेड रखी हैं ताकि ईज ऑफ एक्सेस हो। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये हमारा हॉस्पिटल का कोर्टयार्ड है। हमारे पास 2 कोर्टयार्ड हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो जो डॉग केनल है और एक हमारा हॉस्पिटल का पार्ट है, इनको इतना डिस्टेंस रखा है कि हमारे डॉग केनल्स के अंदर धूप आए अच्छे से, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अभी जहाँ पे एंटर कर रही हूँ हमारा दूसरा कोर्ट यार्ड है, जो कि इस साइड की तरफ है, और ये आप 2 विंग्स जो देख रहे हैं ये भी डॉग केनल्स हैं, और हमारे पास 3 डॉग विंग्स हैं, डॉग केनल के विंग्स हैं। हमारी ओवरऑल कैपेसिटी 29 डॉग्स की है, बट हम पपीज इनको इंक्लूड करें तो 30-35 हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी विंग के साथ कनेक्टेड हमारा रेस्क्यू इक्विपमेंट स्टोरेज रूम है, ताकि सामने की तरफ हमारी रेस्क्यू व्हीकल आ पाए और यहाँ से रेस्क्यू इक्विपमेंट्स लेके वो तुरंत रेस्क्यू के लिए निकल जाए। तो ये था हमारा हॉस्पिटल का पार्ट एंड स्मॉल एनिमल रेस्क्यू का। जो हमारा लार्ज एनिमल रेस्क्यू होगा वो एग्जैक्टली हमारे हॉस्पिटल के सामने बनेगा, एंड जो फिलहाल जो काम चल रहा है हमारा लिंटल की एक बैंड थ्रू आउट हमारे हॉस्पिटल में 7 फीट पे रन करेगी, जिसका स्टील वर्क अभी चल रहा है हमारे सामने। नेक्स्ट मंथ से हम हमारे रूफ का काम भी शुरू कर देंगे, एंड अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारा हॉस्पिटल बिल्ड करने में, तो आप मटेरियल के फॉर्म में डोनेशन दे सकते हैं, और आप मुझे priya@peoplefarm.org पे मेल करके कोई भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर डिटेल्स उस पर दे सकती हूँ। थैंक यू।